आजकल ये देखना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि पुरानी चीज़ें वापस से नए रंग में आ रही है। रिवाइवल और रीबूट्स का ज़माना है और नॉस्टैल्जिया एक पावरफुल फैक्टर बन गया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और एनिमे इंडस्ट्री भी इसे अच्छी तरह समझ गई है। पिछले 10 सालों में काफ़ी टॉप टीयर एनिमे रिवाइव किए गए हैं, और कई महीनों से और सालों से फैंस का ध्यान स्टाइन्स गेट के रीबूट पर भी था, और बड़ी देर से बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इस चीज़ में एक ट्विस्ट है, क्योंकि न्यूज़ जो अभी फैल रही है वो थोड़ी सी गलत है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, स्टाइन्स गेट वापस तो आ रहा है एक ब्रांड न्यू सीरीज़ के साथ, जो कि इन्होंने अपने 15th एनिवर्सरी के मौके पर अनाउंस किया है। लेकिन इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये एनिमे का रीबूट होने वाला है। तो अगर आप भी ओकाबे रिंतारो के साथ वापस मिलने के लिए एक्साइटेड है, तो आपको ये सपना जल्दी ही सच होने वाला है, लेकिन एक दूसरे मीडियम में। चलो इस बात को क्लियर करते हैं, रीबूट एनिमे पर फोकस नहीं है, बल्कि स्टाइन्स गेट वापस एक विजुअल नॉवेल के फॉर्म में आने वाला है। याद रहे, इस सीरीज ने अपना सफर एक विजुअल नॉवेल के तौर पर शुरू किया था। 2009 में ये साइफाई स्टोरी 5PB और नाइट्रो प्लस के अंडर आई थी, और ये जो विजुअल नॉवेल का रीबूट होने वाला है वो रिलीज होने वाला है 2025 में। इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट या फिर एग्जैक्ट रिलीज मंथ भी हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता लगेगा मैं इस चैनल पर आके अपडेट कर दूंगा। स्टाइन्स गेट एक्चुअली कुछ कॉलेज स्टूडेंट की स्टोरी है, जो टाइम ट्रेवल करने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। पता चलता है कि रिंतारो और उसके दोस्तों ने एक ऐसा माइक्रोवेव बनाया है जो मैसेजेस को टाइम में आगे और पीछे भेज सकता है, और बाद में मेमोरीज को भी। ये चीज उन्हें टाइम ट्रेवल का मौका देती है, लेकिन जब सर नाम की ऑर्गेनाइजेशन इस डिवाइस का पता लगाती है तो वो इसे अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, और यहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तात्सुया मात्सुबारा के डायरेक्शन में स्टाइन्स गेट एनिमे सीरीज 2009 में एक हिट सीरीज बन गई थी, और उसी के साथ विजुअल नॉवेल भी इसका काफी फेमस हुआ था। उस टाइम में लाइव एक्शन प्रोडक्शंस और ड्रामा सीरीज भी बहुत पॉपुलर हुई थी। इस हिट एनिमे को 2011 से फैंस पहचानने लगे, और इसने 2018 में एक सक्सेसफुल सीक्वल भी दिया। अब नेटिजन्स होपफुल है कि ये स्टाइन्स गेट रीबूट अपना एक एनिमे भी लेकर आएगा, लेकिन बस वक्त ही बताएगा कि ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है स्टाइन्स गेट के रीबूट के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।